कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस का क्रेज सातवें आसमान पर है। तानाजी फिल्म डायरेक्टर ओम राउत के इस फिल्म में सुपरस्टार प्रभास प्रभु श्रीराम के कैरेक्टर में नजर आएंगे। रामायण की कहानी पर आधारित फिल्म आदिपुरुष में बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान लंकेश के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म को मेकर्स अगले साल जनवरी 2023 में रिलीज करने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों तो फिल्म के अभी तक अनाउंसमेंट पोस्टर ही सामने आए हैं। प्रभास के लुक से लेकर बाकी किरदारों के लुक को बेहद टाइट सिक्योरिटी में रखा गया, जिसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस बीच एक वीडियो इंटरनेट की दुनिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आदिपुरुष की पहली झलक दिखाई दे रही है, जिसके बाद इस वीडियो पर लोगों की नजर टिक गई है। इस वीडियो को देखने से लगता है कि यह आदिपुरुष का टीजर वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फैन मेड वीडियो है जिसमें प्रभास का दमदार लुक नजर आ रहा है। इस वीडियो को प्रभास ट्रेंड्स के ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया, जिसे देख फैंस बेकाबू हो रहे हैं। फैन मेड वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार है और देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में ये टीजर ही है, जहां मेकर्स प्रभास के लुक को रिवील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखने के बाद फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। यहाँ तक कि वीडियो देखने के बाद कई इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट में पूछा कि क्या ये असली वीडियो है, तो वहीं एक इंटरनेट यूजर ने लिखा कि किंग की दमदार वापसी के लिए तैयार है। दोस्तों, इस फिल्म में रामायण की कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि क्या पूरी रामायण की कहानी दिखाई जाएगी, सिर्फ राम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म की कहानी दिखाई जाएगी। दोस्तों, रामायण में जो सबसे दमदार विलन था वो था रावण, जिसका कैरेक्टर इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं सैफ अली खान। रावण के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को शायद ही पता होगी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं रावण की 10 ऐसी बातें जो शायद ही आप लोगों ने सुनी होगी। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ, मतलब कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। हालांकि माँ बाप अपने बच्चे का नाम राम रख देते हैं, लक्ष्मण रख देते हैं, लेकिन किसी का नाम आपने रावण नहीं सुना होगा। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। रावण ने ही शिव तांडव श्रोत, रावण संहिता, 10 शतकात्मक अप्रकाश, 10 पटलात्मक, उड़ीसा तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे। ये भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृतिक कामधेनु, प्राकृतिक लंकेश्वर और रावणीयम आदि पुस्तकों की भी रचना की थी। नंबर 2 है, खोज बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वो स्वर्ण में यानी कि सोने में से सुगंध निकले, इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके पास वेधशाला थी, जहां वो तरह तरह के आविष्कार करता रहता था। वेधशाला कह लें कि एक टाइप ऑफ लेबोरेटरी। खुद रावण ने ही उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र और शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्या मालिनी भी पारंगत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। शतरंज जो हम आजकल चेस कहते हैं, उसका आविष्कार मंदोदरी ने किया था, वो भी उस समय, आप सोचिए। नंबर 3, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवताओं को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधक से मुक्त कराया था। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता रावण। कहते हैं कि रावण को बहुत सी चीजों में महारत हासिल थी। रावण कवि, संगीत, वैदिज्ञ होने के साथ साथ वो आयुर्वेद की भी जानकार रखता था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक मैजिक किए थे। रावण का मानना था कि हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी जरूरत बहुत होती है। नंबर 5 है, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्या मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। यहाँ तक कि इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी
और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। और देखा जाए तो एट द एंड रावण मरता है सीता की वजह से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचता है तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नकुल बेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपके पुत्र वधु के समान हूँ, यानी कि बहू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नकुल बेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नंबर 6, रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध बिच्छू ने दावा किया कि उसने पर्वत शिखर पर रावण का शव अपने पास रखा हुआ है, वो भी सुरक्षित। साइंटिस्ट की माने तो रगैला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रगैला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण ये ताबूत हजारों सालों से जस का तस अभी भी रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते कि रावण की मृत्यु के बाद उसे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन है कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच ये मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर वापस लौट आएगा। नंबर 8, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुम्बा और बालद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रलय पर विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका पर रावण का राज था। नंबर 9, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुरचंद द्वारा लिखी गई बहुत फेमस नॉवेल वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा द्वारा लिखी गई 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान और सभी जातियों को सम्मान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। नंबर 10 है रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वो 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था, इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में लिखा गया कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मोतियां थी। उन 9 मोतियों में उनका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, ऐसे कई नाम हैं। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशंखधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ पर यह प्रयोग किया वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। तलब है कि ये 9 रत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाते हैं। अगर हम रावण के 9 रत्नों की बात करें तो सबसे पहले है कुंभकर्ण, उनका भाई, विभीषण भाई। नंबर 3 पे है महापार्श्व भाई। नंबर 4 महादर, वो भी भाई थे। नंबर 5 इंद्रजीत बेटा। नंबर 6 अक्षय कुमार बेटा। नंबर 7 माल्यवान नाना का भाई। नंबर 8 विरूपाक्ष मल्यवान का बेटा और रावण का सचिव। और नंबर 9 थे प्रहस्त मामा, यानी कि प्रधानमंत्री। देखा जाए तो जितने भी राजा महाराजा थे उनके भी 9 रत्न हुआ करते थे ऐसे ही, और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहा। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि रावण कभी भी वापस आ सकता है, जिंदा हो सकता है, और क्या सच में रावण के 10 सर थे या वो 9 मोतियां थी? और आप लोगों को क्या लगता है कि सैफ अली खान इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।